स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका मानव या बाल विकास की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन और चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था मानव या बाल विकास के महत्व के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, कि बाल विकास या मानव विकास का क्या अर्थ होता है। आज बात करेंगे हम विशेषताओं के बारे में। बाल विकास की विशेषताओं को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बाल विकास गर्भावस्था से परिपक्वता तक का बालक का अध्ययन कराता है। देखिए, ये मैंने आपको गर्ल्स पहले भी बताया था कि बाल विकास के अंतर्गत केवल ऐसा नहीं है कि बालक के ही बाल्यावस्था का ही अध्ययन किया जाए केवल, क्योंकि जब बाल विकास है तो आप लोगों के मन में यह धारणा थी कि केवल बाल्यावस्था तक ही इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि यह गलत है। सामान्यतः जो बाल विकास का अध्ययन है वो उसके जन्म काल से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक या उसके परिपक्व होने तक का अध्ययन वो कराता है। जैसे कि इस प्रकार बाल विकास शिशु जब माँ के गर्भ में आता है उससे तब से लेकर उसके परिपक्व हो जाने तक की अवस्था का वो अध्ययन कराता है। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको कि बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक बालक का अध्ययन कराता है। यानी कि जब आप अलग अलग इसके विकास के पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले गर्भावस्था के बारे में, फिर शैशवावस्था के बारे में, फिर बाल्यावस्था के बारे में, फिर किशोरावस्था, देन वयस्क अवस्था, तो आप अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग स्टेजेस के बारे में आप इसका अध्ययन करेंगे तो मानव विकास का जो अध्ययन है वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। देखिए, प्रारंभ में जो बाल मनोवैज्ञानिक एवं अन्य विद्वान बाल विकास के अंतर्गत केवल बालक के मानसिक विकास के अध्ययन पर ही जोर देते थे, यानी कि उन्होंने समझा कि केवल मानसिक विकास ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानसिक विकास का ज्ञान ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। परंतु आज बाल विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि बाल जीवन के अध्ययन में बालक के मानसिक विकास का उतना महत्व है जितना महत्व मानसिक विकास का है उतना ही शारीरिक विकास का भी है। अतः बाल जीवन के अध्ययन में इन दोनों ही में से किसी की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि शारीरिक विकास को भी नहीं छोड़ा जा सकता और मानसिक विकास को भी नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा, बेहतर होगा, तभी जो आगे आने वाले जो विकास हैं और सभी जो विकास के क्षेत्र हैं वो बच्चों के अच्छे होंगे। तो इसीलिए शारीरिक विकास और अगर मानसिक विकास अच्छा हुआ तो अन्य जो क्षेत्रों का विकास है वो अच्छा हुआ। क्योंकि आपने ये कहावत पढ़ी भी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी बालक मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह पाएगा। और अगर शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, उसका विकास अच्छा हो रहा है, तभी उसका संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, उसका बौद्धिक विकास और उसका जो नैतिक विकास है वो अच्छा हो पाएगा। तो अतः बाल मनोविज्ञान या बाल विकास बालक की समस्त शारीरिक क्रिया की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन भी करता है। देन नेक्स्ट है, बाल विकास बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। कि बाल विकास बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का अध्ययन भी करता है। देखिए, बाल विकास बालक के मानसिक विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन कराता है। जैसे कि इसके अंतर्गत इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि बालक में वृद्धि, मानसिक क्रिया तथा संवेगों का विकास किस प्रकार होता है और इनके अंतर्गत ज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है। देखिए, संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं या ज्ञानात्मक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो
मानसिक विकास पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि मानसिक विकास के आधार पर ही बालक अन्य प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है, और संवेगात्मक जो उसके संवेग होते हैं उनका वो उपयोग करता है। अब उन संवेगों को किस सीमा तक उपयोग करना है, कहाँ पर किस तरह का व्यवहार करना है, किस वातावरण में कैसे समायोजन करना है, तो ये सब किस पर है निर्भर, मानसिक विकास के आधार पर। इस तरह बाल विकास बालक के मानसिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी कि बाल विकास से संबंधित समस्याएं कि जहाँ पर बालकों के कह दिया जाए कि ज्ञान का या बालक के जो कुशाग्रता का बुद्धि का जहाँ प्रश्न आए वहाँ पर मानसिक विकास की बात कही जाती है। तो मानसिक विकास से संबंधित ही ये सभी समस्याएं होती हैं कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता कितनी है, बच्चों के अंदर क्रियाओं से समावेश करने की समायोजन करने की संवेगों को स्थिर रखने की क्षमता उसमें कितनी है। तो इसीलिए बाल विकास जो है वो बालक के मानसिक विकास का अध्ययन भी करता है, क्योंकि मानसिक विकास बालकों को हर तरह के क्षेत्र में समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है, उसे इतनी अधिग्रहण क्षमता, यानी कि एक तरह से ज्ञान प्रदान करता है कि वो हर परिस्थिति के साथ समायोजन करे, या फिर ज्ञान प्राप्त करने का जो है वो ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करे। तो इसलिए बाल विकास बालक के मानसिक विकास का अध्ययन कराता है। देन नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से भी किया जाता है। देखिए, विकासात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो एक तरह से बाल विकास के अंतर्गत विकास को ज़्यादा महत्व देना, यही एक इसका दृष्टिकोण है कि विकास की दर पर, विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना, क्योंकि जब तक विकास के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक माता पिता हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, वो बालकों के विकास में सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो बालकों के विकास के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। दृष्टिकोण, विकासात्मक दृष्टिकोण से अर्थ जैसे कि अध्यापकों हैं, शिक्षक हैं जो स्कूल में बच्चों को शिक्षित करते हैं, अगर वो ध्यान दें कि बालक जो है जो वो उनको सिखा रहे हैं, कौन कौन से टास्क हैं ऐसे जो वो बच्चों को दे रहे हैं, अगर 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में से अगर 25 स्टूडेंट्स उनके बताए हुए कार्यों को नहीं कर रहे हैं, उनके टास्क को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या कारण है? या बच्चे का शारीरिक विकास सही नहीं है, क्या बच्चे का मानसिक विकास सही नहीं है, क्या बच्चे की व्यवहार गतिविधियाँ जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं की जा रही हैं, जिससे देखिए शिक्षिका का एक कर्तव्य और भी होता है, अध्यापिकाओं का या जो भी निर्देशिका होती हैं कि वो समय समय पर बच्चों की व्यवहार की गतिविधियों को चेक करें, उन्हें लिखें कि कौन सा बच्चा किस तरह की वो व्यवहार करता है, किस तरह की उसकी गतिविधियाँ हैं, किस तरह का वो जो है वो कार्य करने का तरीका वो अपनाते हैं। तो ऐसे में विकासात्मक दृष्टिकोण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निर्देशिका का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि जब तक उसका ध्यान जो है वो बच्चों के विकास पर नहीं होगा, माता पिता का ध्यान, अभिभावकों का जो ध्यान है वो बालकों के विकास पर नहीं होगा, तब तक वो बालकों के किसी भी विकास में उसका सहायक नहीं हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सी अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आदि प्रमुख हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में क्रमानुसार एक के बाद एक आती रहती हैं। तो इस प्रकार बाल विकास जो है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन कर विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है, यानी कि विकास की ओर तत्पर होना। जब तक अभिभावक, माता पिता, शिक्षिका, निर्देशिका विकासात्मक विकास की ओर तत्पर नहीं होंगे, बालकों के विकास की ओर जो है वो ध्यान नहीं देंगे, तब तक
जो है बाल विकास का अध्ययन असंभव है और बच्चों का विकास भी असंभव है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की मानव या बाल विकास की विशेषताओं के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। गर्ल्स, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जूम मीटिंग में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है आपकी। और जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए नोटबुक में अपनी, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम किस मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, कि बाल मानव या बाल विकास का क्या महत्व होता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।